अरे मूसा, तुम यहाँ बैठे हो? अरे बेटा, घर की मोटर कौन ठीक कराएगा? करवा दूंगा अम्मी, घर की मोटर भी सही। यहाँ मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी हालत नहीं सही हो रही है। वो तो रेगिस्तान में छांव ढूंढने जैसी बात है। अरे अम्मी, छांव भी तो कहीं ना कहीं तो होती होगी, कहीं तो। नहीं मूसा, नहीं होती। और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी, उसके बावजूद तुमने उससे शादी की। अरे आप उसे अपने रंग में ढालने के बजाय उल्टा उसके पैरों में भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हो। अम्मी, मैंने उसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। अगर वो मेरे रंग में नहीं ढल सकती तो क्या होगा, मैं उसके रंग में ढल जाऊंगा। औरत से मोहब्बत मर्द की कमजोरी होती है, और अगर औरत इन्हीं कमजोरियों से फायदा उठाने लगे तो मर्द के लिए मुश्किलें बन जाती हैं। बस बेटा, थोड़ी सी सख्ती, थोड़ा सा रोक करने को कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा फिर। अम्मी, अगर मैंने ज्यादा सख्ती की ना तो मुझे डर है कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। बस मेरा बच्चा, बस यही एक डर मर्द को सारी जिंदगी औरत के सामने झुका कर रखता है। अरे मैं कौन सा कह रही हूं कि तुम उसे जबरन अपने रंग में ढाल लो। बेटा, जिंदगी में थोड़ा सा तवाज़ुन रखना तो जरूरी होता है ना। बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े, इसलिए तुम्हें ये बात समझा रही हूं। तुम समझ रहे हो ना बेटा? जी। अच्छा, फिक्र मत करो, अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा।